हेलो माई डियर स्टूडेंट टूडे वी शिल सोल्व क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम IIT Jam 2024 क्वेश्चन पेपर बेटा ये ग्रुप थिरी का बहुत ट्रिमेंडस क्वेश्चन है अगेन अगर आप डीप स्टडी करा होगा अपने ग्रुप थ्योरी में तभी आप ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं आइए देखिए

अगर p और q माइनस वन ये डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा वो देख लीजिए तो थ्री डिवाइड कर रहा है थर्टीन माइनस वन को अरे तो डिवाइड कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो यूनिक नहीं आएगा यूनिक नहीं आएगा फिर तो दो होंगे चलो फिर आगे चलते हैं मतलब आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर थर्टी नाइन सो दैट इट हैज़ एक्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री एंड एक्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थर्टीन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू तो बहुत ट्रमेंडस चीज़ है जिसने ठीक से पढ़ा है वही कर सकेगा आओ बेटा मैं करा देता हूँ ये ध्यान दीजिए एवरी वन बेटा ये जी है इसमें थर्टीन ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप एक दिए और थ्री ऑर्डर का भी एक ही दिया है तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि जो थ्री ऑर्डर का है उसको एच बुला रहे हैं जो थर्टीन ऑर्डर का है उसको आप के बुला रहे हैं अच्छा अब आपने ये भी पढ़ा है आप सबने कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक जी का ऑर्डर प्राइम नहीं है कोई बात नहीं बट ये जो एच है इसका सब ग्रुप है उसका ऑर्डर तो प्राइम है ऐसे ही के का ऑर्डर प्राइम है तो दोनों रिस्पेक्टिवली साइक्लिक होंगे बिल्कुल होंगे और यहां से k को ले लो आप ब्रैकेट भी हां जी a का ऑर्डर यानी h का ऑर्डर दैट इज 3 b का ऑर्डर यानी k का ऑर्डर दैट इज 13 यहां तक ठीक है दूसरा दूसरा बेटा ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वन सब ग्रुप यानी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज यूनिक गिवन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 इज यूनिक गिवन किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का अगर किसी ग्रुप में एक ही, एक ही सब ग्रुप होता है तो बेटा वो तो नॉर्मल होता है नॉर्मल होता है आप समझ गए मेरी बात तो इतनी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं बड़ा जबरदस्त तरीके से। अब सर इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल गई अब करेंगे क्या ये जो साइक्लिक अभिलियन वगैरह पूछ रहे हैं क्या करेंगे उसके पीछे अब देखिए क्या करेंगे मैं करा देता हूँ देखिए कोई भी ग्रुप कब साइकिल होगा बेटा अ फाइनाइट ग्रुप इज साइक् इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर थर्टी है अगर 39 ऑर्डर का आपने एलिमेंट प्रोड्यूस कर दिए है यहाँ पर तो साइक् हो जाएगा जिसके चांसेस की बहुत ज्यादा है मेरे बेटा एच का ऑर्डर थ्री था थ्री था यानी ए का ऑर्डर थ्री है के का ऑर्डर थर्टीन था यानी बी का ऑर्डर थर्टीन है अच्छा जी हाँ जी याद करो ये ऑर्डर ऑफ ए थ्री हो गया ऑर्डर ऑफ बी थर्टीन हो गया हमें कोई ऐसा रिजल्ट बताइए जिसमें ऑर्डर ऑफ़ प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी आ जाए है ना उससे हो जाएगा ये थ्री है वो थर्टीन है उनका मल्टीप्लाई तो करना है तो रिजल्ट याद करिए ऑर्डर ऑफ़ ए बी ऑर्डर ऑफ़ ए इं ऑर्डर ऑफ़ बी कब कब होता है एक रिजल्ट छोटा सा है मेरे को याद आ रहा है मैं लिख देता तो हूँ यहाँ पे बेटा ये रिजल्ट है अगर आपका ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ़ बी कोपराइम है एंड ए बी बी ए के बराबर है तो दिस एम्प्लाइज मैंने तो क्लास में करवाया है मेरी बुक में भी है ये रिजल्ट विद प्रूफ मेरी बुक में भी है ग्रुप थ्री फोर एंट्रेंस एग्जाम में भी ये रिजल्ट विद प्रूफ है मैंने क्लास में करवाया भी है हाँ जी ये एक शानदार रिजल्ट है जो बताता है ऑर्डर और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा अगर ये दो कंडीशन आए अच्छा दोनों में से क्या है मिल रहा है आपको मुफ्त में बेटा ये थ्री है ये थर्टीन है तो ये ऑर्डर आपस में कोप्राइम तो हो गए बट ये कम्यूट वाला हिसाब समझ में नहीं आ रहा तो कम्यूट वाले के लिए एक रिजल्ट और देख लो मेरे बेटा क्या रिजल्ट है मेरे बच्चे देखिए रिजल्ट इज दस अगर एच नॉर्मल है जी में के नॉर्मल है जी में और बाई चांस एच और के का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है ये भी मेरी बुक में है एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे क्लियर हो गया आप लोगों को तो अभी वाले में बात कर सकते हो आप दो नॉर्मल सब ग्रुप्स अगर उनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आ रहे हैं तो उनके एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे ये तो यहाँ हो रहा है भाई इसका ऑर्डर थ्री है इसका थर्टीन है तो इंटरसेक्शन का ऑर्डर तो इसको डिवाइड थ्री और थर्टीन को डिवाइड करता हुआ होना चाहिए ऐसा नंबर बताइए विद डिड्स बोथ थ्री एंड थर्टीन वन वन तो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर वन हो गया यानी यानी एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एच इज नॉर्मल इन जी मेरा प्यारे प्यारे बेटा के इज नॉर्मल इन जी एंड एच इंटरसेक्शन के इज आइडेंटिटी सो so दिस जैसे आपको बताया गया था एच के इक्वल टू के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल के बिलोंग्स टू के हाँ जी ये एच के और K के सारे मेंबर्स के लिए ट्रू है तो इन पर्टिकुलर एच के पास ए है के पास बी है तो इनके लिए भी ट्रू होगा लीजिए हो गया काम सॉल्यूशन ओवर हाँ जी ए बी बी ए बराबर है और इनके दोनों के रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स आपस में कोप्राइम है तो बेटा वो रिजल्ट लगा के क्या मिलेगा आप लोगों को वेल यू कैन सी क्लियर हो गया काफी सारा सारा कुछ लिख दिया है मैंने So, let me write, थोड़ा सा कम कर रहा हूं मैं दिस इंप्लाइज ए बी ए सो ऑर्डर ऑफ ए बी मेरे बेटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाइड इनके ऑर्डर्स आपस में क्या है बेटा कोई लास्ट लाइन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ये हो गया थर्टी नाइन थर्टी नाइन थ्री इंटू थर्टीन बट थर्टी को आप क्या थर्टी ऑफ जी कह सकते हैं बिल्कुल तो यहां से क्या पता लगा जी के पास ए बी नाम का एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है तो क्या यहाँ से ये कंक्लूड नहीं हो जाना चाहिए कि जी इक्वल टू ब्रैकेट ए बी बस खत्म देखो भाई ये वही कर सकते हैं जिसने डिटर्मिनेशन के साथ कभी ग्रुप थ्योरी किया हो तो पहले वाला करेक्ट है उसके बाद तो देखना ही क्या है जी इज अबिलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक रॉन्ग जी नीड नॉट बी अबिलियन रॉन्ग जी हैज थर्टीन एलिमेंट्स ऑर्डर थर्टीन वो नहीं हो सकता क्यों किसी भी फाइनाइट ग्रुप में प्राइम ऑर्डर का पी ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो फाइव पी फाइव पी का मल्टीपल होगा फाइव पी का मतलब ऑयलर फाइव फंक्शन तो फाइव पी तो पी माइनस वन होते अब समझ रहे हैं तो थर्टीन ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइव थर्टीन के मल्टीपल्स होने चाहिए फाइव थर्टीन यानी ट्वेल्व ट्वेल्व के मल्टीपल्स क्या थर्टीन ट्वेल्व का मल्टीपल है बिल्कुल भी नहीं खैर बाकी चीज़ें जस्टिफाई तो क्या ही करनी थी सिंगल करेक्ट था बेटा क्वेश्चन सिक्स सेवन सिंगल करेक्ट तो बड़े आराम से मजे में आपका काम हो गया चलिए थैंक यू अगेन बढ़िया लगा सॉल्यूशन तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना थैंक यू